नूरपुर के बोर्ड में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी ने की। इस मौके पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आ रही समस्याओं पर गहन चिंतन और मंथन किया गया और सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया गया। बैठक के दौरान सरकार पर आरोप लगाया गया कि पौने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के अलावा परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय राशि नहीं दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज तीन महीने हो चुके हैं बिना पेंशन के, जबकि और जो लोग एक वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें आज तक कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को पेंशन की समस्या के हल के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इतना होने के बावजूद अब परिवहन का सेवानिवृत्त कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ समय सरकार के पास बचा है, अगर उस समय में वे कुछ हल नहीं निकालते हैं तो इसका परिणाम भुगतने के लिए वे तैयार रहें। बलरामपुरी ने कहा कि उनके लिए चाहे बाली हो या सुग्रीव हो सकता है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बाली ने कई काम किए होंगे, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच, आज हमारा फतेहपुर मंडल, ज्वाली मंडल और इंदौरा मंडल और नूरपुर मंडल की और जिला कांगड़ा के जो हमारे पदाधिकारी और इकाई है उसकी आज बैठक यहाँ रखी गई थी, जिसमें लगभग 200 जो हमारे कार्यकर्ता है उन्होंने भाग लिया। और आज जो भी है जो परिवहन सेवा कर्मचारियों की जो उपस्थिति है उस पर गहन मंथन और चिंतन हुआ और यह रोष प्रकट किया गया कि आज पौने पांच साल सरकार को बड़े हुए हो गए हैं, लेकिन परिवहन का जो कर्मचारी है आज उसकी यह स्थिति है जिसे सारी उम्र जो है अपनी आयु जो है सेवा में लगा दी और सारी उम्र में उसने जो कुछ है वो अपने स्वास्थ्य को से लेकर अपने परिवार को लेकर सब जो है उसने अपने बर्बाद किया। और आज यह स्थिति है कि एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते उनको दर्जा तो वरिष्ठ नागरिक का है, लेकिन उसका जो है आज जो स्थिति है चार्टर्ड के कर्मचारियों की, उनको तीन तीन महीने से पेंशन नहीं मिल रही है और एक एक साल जो जब लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनको सेवानिवृत्त होने के बाद एक भी पैसा आज दिन तक नहीं मिला है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि जिसको एक साल से जो पहले 25-30 हजार रुपया वेतन लेता था और आज जो स्थिति है कि उस स्थिति में आज उसको एक साल से एक नया पैसा भी नहीं मिला, तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसके परिवार की स्थिति क्या होती होगी, उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या होगी। तो हमने इस बारे में कई बार परिवहन मंत्री को और मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को जो है इसका पेंशन का स्थायी हल करने का जो हमने वहां बार बार गुहार लाई, धरने प्रदर्शन किए, जैसा कि एक विधान है जो एक प्रक्रिया है उसके अनुसार, लेकिन अभी तक उसका स्थायी प्रावधान जो नहीं हुआ है। अभी पीछे बोला गया था, मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि 120 करोड़ रुपया एचआरटीसी के पेंशनरों के लिए जो है वार्षिक जो दिया जाएगा, लेकिन जब वो कैबिनेट का जो फैसला आया उसमें केवल 20 करोड़ का ही देकर जो है हमें छला गया है, ठगा गया है। अब ये परिवहन का कर्मचारी जो है, सेवा में कर्मचारी जो है चुप नहीं बैठेगा। और अंतिम बार हमने आप इस बात की चेतावनी देते हैं, अगर ये कुछ समय बचा है अगर उसमें वो कुछ करते हैं तब तो बात ठीक है, तो नहीं तो इसका परिणाम वो भी जानते हैं, राजनीतिक या दूसरा परिणाम जो है वो दूसरा भुगतने के तैयार रहे। यही सब बातों के लिए जो है आज हमारी बैठक में